सीईओ आज कमेटी बी शफीउल्लाह आईएफएस सेक्रेटरी टेमरीज जो इस साल सादत हज से मुशर्रफ होने के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। महकमा अखिलती बहबूद के तहत मुख्तलिफ चेयरमैन की जानिब से हज हाउस में उनकी गुलपोशी की गई। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्ला खान, उर्दू अकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक के अलावा इन चारों अकेडमी के चेयरमैन कॉरपोरेशन और अकेडमी के चेयर अमले ने भी मोहम्मद शफीउल्ला को मुबारकबाद पेश की और सादत-ए-हज के सफर के लिए उन अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इरफान शरीफ, कृष्णा डायरेक्टर क्रांति वेस्ली और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। साहब, सीईओ वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के मेंबर्स, मुजीब साहब और भी जो भी ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, आप सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल का गहराई से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो फेयरवेल पार्टी तो नहीं है ना। जो भी मेरे जिंदगी में हुआ है, फेयरवेल नहीं है साहब, आप खुशी से आपकी गुलपोशी कर रहे हैं, हज को जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान है। जो भी मेरे जिंदगी में हुआ है, जिसे आप मेरा कल जो अल्लाह का इजाजत से हुआ है, जो मेरा सर्विस में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में जो भी पोस्टिंग मुझे मिला, जो भी मौका मुझे मिला है, अल्लाह का एहसान है। हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी मुझे मौका दिए माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। आज माशाल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक बिगेस्ट अचीवमेंट है, आप तारीफ कर रहे थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, चार महीने में 71 स्कूल्स स्टार्ट करें, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। इसमें सिर्फ मेरा विकास काम नहीं है, मेरा एंटायर टीम है जो हजारों लोग